पूरे दिन मैंने सफाई की, मैं थक गई हूँ, मुझे अब थोड़ा आराम चाहिए। क्वेंट, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? तो तुम क्या चाहती हो कि हम लोग काम करें? बर्तन साफ कर दिए तुमने? घर साफ किया कि नहीं? हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया है, सजा मत देना। मम्मी, मैं सब कुछ ले आई हूँ, ये रही काम की लिस्ट। ये जितना भी काम दे रहे हैं कल सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अब तो देर हो गई है। सॉरी। हाँ, तुम बेशरम लड़की हो, इस गंदगी को अभी साफ करो, समझी? मैं सबकी देखभाल करके थक चुकी हूँ, कोई तो समझो। मम्मी, हम आपको समझते हैं। आप दुनिया की सबसे अच्छी क्वीन हो। एक आइडिया आया है, क्योंकि ग्वेन रात में काम नहीं करती तो उसे मैं बेसमेंट में भेज दूंगी। वाह, मजा आ गया ग्वेन। मैं अपनी सौतेली माँ को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मेरा मजाक उड़ाती रहती है। आउच! इस बेकार मशीन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नोक नोक ग्वेन, ये मैं हूँ। टायलर, क्या तुम मुझे इस बेकार जगह से बचाने आए हो? I'm sorry, पर तुम्हें यहाँ कुछ देर रहना पड़ेगा, वरना किटी नाराज हो जाएगी। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ। ये तो बहुत अच्छी है, मैं सारे काम को करने से पहले कुछ खा नहीं पाई। मुझे माफ करना, पर ये बचा हुआ खाना है, क्योंकि किटी मुझे तुम्हें खाना नहीं देने देगी। कितना गंदा है, मुझे पता कैसे नहीं चला वो ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं मेरे साथ। आखिर किटी से छुटकारा कैसे पाएं? वो तो राजा जैक की दूसरी बीवी है। डैडी, मुझे उनकी कितनी याद आती है। किटी ने उन्हें भगा दिया और वो चले गए, अपनी बेटी को अपने साथ भी नहीं ले गए। वो मेरी असली बहन नहीं है। महाराजा जैक काफी अच्छे इंसान थे। डैडी, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी तो मुझे फूलों को पानी भी देना है। बेचारी ग्वेन। ग्वेन, तुम ये कर क्या रही हो भला? हाँ, किटी ने मुझे बहुत सारा काम दिया है, मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ ग्वेन। शुक्रिया डैड। डैड, आपको क्या हुआ? ऐसा लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। डैड, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे सुनाई नहीं दिया, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? जैक, बहुत रात हो चुकी है, जाओ सो जाओ। वो ऐसे क्यों चिल्ला रही है, वो पागल है? किटी, गरीब लड़की पर अत्याचार करना छोड़ो और खुद कुछ काम कर लो, समझी? शुक्रिया डैडी। तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो? तुरंत ऊपर आ जाओ, अगर मुझे नीचे आना पड़ा तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। एक नंबर की चुड़ैल है। देखो बेटा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आराम करता हूँ। बेचारे डैडी, उन्होंने इस बुरी औरत से शादी क्यों की? बेचारे डैडी, इनका दिल कितना कमजोर है। उनका दिल और सहन नहीं कर पाएगा। डैडी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आखिरकार तो चला ही गया। आखिरकार तुमसे छुटकारा मिल ही गया। माँ, इतनी खुश क्यों? किंग चले गए, सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है। जैक द किंग अब कोई मायने नहीं रखता, अब तो मैं यहाँ शो चलाऊंगी। हमारी माँ सबसे ज्यादा कूल है। क्या हम ग्वेन को बाहर निकाल दें? उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले उसे हमारे लिए थोड़ा काम कर लेने दो। अच्छा आइडिया है। मम्मी कभी कुछ बुरा नहीं सोचती। इधर आओ मेरी प्यारी बच्चियो, मेरी छोटी मगरमच्छो। हम तुमसे प्यार करते हैं मम्मी। हाँ, मुझे एक नया आइडिया आया, मैं एक नया सिंहासन चाहती हूँ। टायलर, जल्दी यहाँ पर आओ। मैं यहाँ हूँ योर मैजेस्टी। एक बड़ा सा सिंहासन बना दो और यहाँ पर लगा दो। ठीक है महारानी, ये हो जाएगा। ये क्या है? आपका सिंहासन, ये सबसे शानदार वाला है। हाँ, कुछ तो है। वाह, सिंहासन! माँ, जब आप यहाँ पर ना हो तो क्या मैं इस पर बैठ सकती हूँ? शोर बंद करो बेवकूफ, ये बिल्कुल भी अच्छा सिंहासन नहीं है और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। टायलर, चलो नीचे बैठो और घोड़े बन जाओ। क्यों? जल्दी करो। ओके। यही तो चाहिए था, बढ़िया सा फुटरेस मिल गया। मम्मी 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 मम्मी। बस करो। क्या है ये?
एक लेटर आया है। ये तो प्रिंस क्रिस की फैमिली से आया है। वाओ। मॉम क्या हुआ? आज प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें अपने लिए एक दुल्हन चाहिए प्रिंसेसेस में से। मम्मी लेकिन हम असली प्रिंसेस नहीं हैं। असली प्रिंसेस तो ग्वेन है और वो बेसमेंट में है। चुप करो। क्रिस को ये नहीं पता है कि तुम किंग जैक की असली बेटी नहीं हो। उनके लिए तो तुम ही असली वारिस हो। हे भगवान अब मजा आएगा। यहाँ क्या खड़ी हो बेवकूफो? जाओ तैयार हो जाओ। वो प्रिंस से शादी करने के लायक नहीं है। तुम्हारी जबान खोलनी नहीं चाहिए। जिसका हमें बरसों से इंतजार था आखिरकार वो दिन आ ही गया। उम्मीद है कि तुम एक दुल्हन ढूंढ ही लोगे मेरे बेटे। अरे किंग जैक की बेटियां ठीक तो होंगी ना? हाँ बिल्कुल बेशक वो बहुत अच्छी होगी। मम्मी पापा अगर मुझे पसंद नहीं आई तो शर्म आती है मुझे यार। सारे दोस्त मेरे शादी शुदा है, मैं अभी मरा रहा हूँ अपनी हिसाब से। किसी से भी डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे बेटे। अब तुम जाके लड़कियों से मिलो ठीक है? चलो स्वीटी। उम्मीद है पापा अपने प्यार ढूंढ लूं मैं। अबे क्या पता शायद यार बस वो मेरे लिए ही बैठी हो वहाँ पे। सच में मैं यहाँ क्यों फंसी हुई हूँ? काश कोई एक राजकुमार आता और मुझे यहाँ से दूर लेकर चला जाता। देखो कौन आ गया। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हमने सोचा कि क्यों ना तुम्हें केक दे। ओह बढ़िया। ओह बढ़िया शुक्रिया। इसमें क्या है? तू इसमें तुमने क्या मिलाया है? हमने थोड़ा मिक्स कर दिया। तुम दोनों सच में पागल हो क्या? चली जाओ अभी के अभी। हाँ सही कहा। चलो चले हमें एक प्रिंस से मिलना है। रुको किस प्रिंस की बात कर रही हो? प्रिंस क्रिस यहाँ आने वाले हैं। उन्हें एक वाइफ चाहिए। हम में से कोई खुशकिस्मत हो सकता है। क्या सच में? मैं भी आ सकती हूँ। मैं भी प्रिंस से एक बार मिलना चाहती हूँ। भूल जाओ तुम काम चोर हो ग्वेन और यही रहोगी। पर मैं असली प्रिंसेस हूँ तुम दोनों नहीं। जरा एक मिनट तुम हमारे लिए ड्रेसेस बनाओ फिर हम तुम्हें प्रिंस से मिलवाएंगे। ठीक है ठीक है मैं बना दूंगी। ये देखो मेरे पास सिलाई मशीन है। तुम्हारे पास ड्रेस तो होंगी ना? चलो चलो। क्या तुम उसे सच में प्रिंस से मिलवाने वाली हो? हाँ बिल्कुल नहीं वो हमारे लिए ड्रेसेस बनाएगी फिर वो यहाँ रुक सकती है। ये रही आपकी ड्रेस खास तौर पे फ्रांस से लाई है। वाओ ये तो बहुत ही शानदार है और वो बो इतनी प्रोमिनेंट जगह पर। बट पे बो फ्रांस वाले दर्जी ने इसे बनाने में सच में गलती कर दी है। मजाक कर रहे हो क्या? अब तो ये फुल ऑन फैशन है बेवकूफ। महारानी साहिबा मुझे माफ कर दीजिए मेरा मजाक गलत था। तुम हमारे क्लाउन बनोगे। जोक मारने का बहुत शौक है ना गधे कहीं के। अब जाओ और लड़कियों को लेकर आओ उन्हें आज बहुत ही खूबसूरत दिखना चाहिए। जल्दी कदम बढ़ाओ। प्रिंस यहाँ है। गुड डे क्रिस। और आपकी ट्रिप कैसी थी? सब ठीक? अरे नमस्कार नमस्कार सब ठीक है। ये बताओ कोई है कोई जो मेरा घोड़ा पार कर दे पीछे? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। टायलर जल्दी से यहाँ पर आओ। मैं यहाँ हूँ रेड कार्पेट लाया हूँ। तुम हमेशा आखिरी में क्यों काम करते हो? हाँ आलसी कहीं के। वो उतारो बेवकूफ कहीं के। मुझे माफ करना मुझे माफ करना। अबे ड्राइवर लगा रही है कार की जगह घोड़ों को पार करने में। होता ले गए। चलो क्रिस आओ चलो मैं अपनी लड़कियों से मिलवाती हूँ। सुना राजा के तीन तीन बेटियाँ हैं लेकिन पेरेंट्स ने बोला कि सिर्फ एक ही है। हाँ दो है टीना और एलिस। घर पे और कोई नहीं है। वो देखो प्रिंस वो है। सच में? हाँ, सच में वही है। हटो मुझे देखो। अरे ये बता क्या ये प्रिंसेस है? हे प्रिंस इधर देखो इधर आओ। हेलो। वो तो बस थोड़ी मस्ती कर रही है। हाँ उन पे ध्यान मत दो तुम मेरे साथ अंदर चलो मैं उनसे मिलवाती हूँ। ओए लड़कियों क्या कर रही हो तुम लोग? जल्दी से कपड़े बदलो और प्रिंस को वेलकम करो। मैं पहले उससे बात करने जाऊंगी। ऐसे कैसे मैं तुमसे बड़ी हूँ अपनी बारी का इंतजार करो। चालाक बिल्ली। ठीक है चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। मैंने
मैंने कहा था ना मैं प्रिंस से पहले मिलूंगी। बस याद रखना फेक प्रिंसेस कहीं पकड़ी ना जाओ। तुम पागल हो। हाय प्यारे प्रिंस, मैं टीना हूँ, इस पूरे किंगडम की सबसे कूल प्रिंसेस। मिलके मस्त लगा दोस्त, मैं क्रिस हूँ। अरे ओ बेटे की जी, क्या कर रही है तू? अरे मैं वो जरा फिसल गई। चल बैठ गई तो फिर अपने बारे में कुछ बता मेरे को, कुछ बढ़िया। मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और ये पैनकेक्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। वाह बेटे की, मौज कर दी, खाने के लिए रेडी हूँ मैं। खोल पटापट क्या है, लो खा लो। अरे ये क्या बवासीर है, बर्बाद। ये क्या, छी क्रिस मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था ये ऐसे बन जाएंगे। थैंक यू टीना, तूने बढ़िया किया। अलविदा टीना, चल निकलता हूँ, हमारे साथ यहीं तक था बस। ये सब एलिस ने किया है, उसने मुझे उल्लू बना दिया। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। खोलो प्लीज कोई दरवाजा, खोलो इसे। अगर मैं खुद आई तो मैं पुलिस को जरूर फोन करूंगी, समझी? अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? टाइलर बस मुझे बाहर जाने दो, मैं अब और बेसमेंट में नहीं रह सकती। मैं ये नहीं कर सकता, महारानी कीटी ने मुझे ये करने का आदेश नहीं दिया है। टाइलर मैं तुझे बचपन से जानती हूँ यार, क्या तू सच में मुझे अकेले इस बेसमेंट में छोड़ देगा? हाँ ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, मैं पलट कर घूम जाऊंगा और चुपके से तुम चली जाना यहाँ से, ओके? ग्रेट, चलो करते हैं। ला 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 ला, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। कहाँ पर जा रही हो? नहीं हम कहीं नहीं जा रहे। भागने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है मेरे साथ चल, तू तो जेल जाएगी अब, बांध के रख दूंगी तुमको मैं, कहीं भाग नहीं पाओगी, अब जेल में ही सड़ोगी तुम। ऐसा कुछ मत करो प्लीज। मुझे माफ करना ग्वेन, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी। Hey, मैंने ये सिर्फ 5 साल की उम्र में बनाया था। वाह, अबे तू तो घनी कारीगर से है। और ये जब मैं सिर्फ 2 साल की थी। शानदार, जबरदस्त। पीछे क्या छिपा रखा है? कहाँ? ओह, एलिस, $10 का प्राइस टैग है? अबे क्या तूने खरीदी है? मतलब तूने खुद पेंट नहीं करी है? हाँ मैंने की, मैं बस इन्हें बेचना चाहती थी इसलिए मैंने प्राइस टैग लगा दिया। तो क्या तू टेम्परेरी कलाकारों के बारे में कुछ जानती है, बता मेरे को तू। क्रिस शायद हमें कुछ और बात करनी चाहिए। जैसे? हमें शादी के बारे में बात करनी चाहिए। काहे की शादी में, मैं तुझे जानता भी नहीं ढंग से। तो क्या क्या इंतजार क्यों करें, शादी करते हैं। अबे पागल हो गई लड़के लगता है, जिससे मेरे में दिल आएगा उससे प्यार करूंगा मैं। मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करती हूँ। अबे छोड़ मेरे को। आपको क्या लगता है हमारा बेटा अच्छी खबर लाएगा ना? पूरा यकीन है कि वो दुल्हन ही लेके आएगा। हाँ वो बात तो है, लेकिन मुझे थोड़ी चिंता हो रही है क्योंकि वो लड़कियाँ बहुत ज्यादा सुंदर है। ग्वेन के लिए काम लिखो नंबर 98 रात को कब्रिस्तान में जाना। नहीं ये बहुत बुरा है। लिखो अच्छे से। उसका काम होगा कि कब्र में जाकर पीले फूल तोड़कर एक गुलदस्ता बनाए। ये काम कितने बकवास होते हैं। क्या कहा तुमने अभी? मैंने कहा क्या और भी काम होगे, 99 लिखूं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, क्यों? बचा लो, मैं ऐसे कैसे निकलूंगा? क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे बाहर निकलना है मेरे को, ऐसे दरवाजा नहीं खुल रहा है। आपकी वीडियो ने बाड़ लगा दी मेरी। क्या सच में? अभी से जल्दी से दुल्हन चुनो और शांत हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। टाइलर तुम बेसमेंट में जाके उसे पकड़ो, मैं बाहर जाकर उसे पकड़ूंगी। अरे दरवाजा तो खुला है, इस नकारे से ये काम भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। टाइलर तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भी खाने को दे दो प्लीज। रास्ता कहाँ है यार, जगह ही कितनी डरावनी यार। तुम कौन हो? क्या आप वही प्रिंस है जो हमारे पास आए थे? अब तेरे को कैसे पता ये? मुझे पता था तुम्हारे बारे में। हाँ मैं ग्वेन हूँ, मैं ही हूँ राजा जैक की सबसे बड़ी बेटी। अरे वाह, किंग की 3 बेटियाँ फिर? नहीं नहीं सिर्फ 1 बेटी है, वो मैं हूँ। ये टीना और एलिस फेक है, ये उनकी बेटियाँ नहीं है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ यार।
मेरे पापा ने इस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने किटी से शादी की और उनके पास पहले से दो बेटियां थी। इतना बुरा हुआ यार, बढ़िया रहा नहीं तो मेरी धोखेबाजों शादी हो जाती। मेरी बीवी को राजकुमारी होना चाहिए। क्या तुम मुझे यहाँ से बचाओगे? अरे काहे नहीं, मैं अकेली असली राजकुमारी को नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी सौतेली माँ ने मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा था, मैं पागल हो रही थी। दरवाजा नहीं खुल रहा है, बहुत मजबूत है। प्रिंस, तुम्हें पता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हारी शादी की बेटी से करा दूंगी, चाहे पसंद आए या नहीं। अरे नहीं, लगता है वो पागल औरत आ रही है। क्रेश जल्दी करो, साथ आएगी मेरे? चल गए, मग चलेंगे अपन। और बता, मैं तो सुन सकती हूँ प्रिंस, जल्दी चलो यहाँ से। क्या तुम भागने की कोशिश कर रही हो? हाँ, तुम हमारी मदद कर दो प्लीज। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मैं फंस जाऊंगा। ओ टायलर, एक तुम ही हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। इस झूठी राजकुमारियों को इस महल से निकालने के बाद मैं तुम्हारी सैलरी को बिल्कुल डबल कर दूंगी। ओ, अगर ऐसा है तो ग्वेन तुम जा सकती हो, चलो। अलविदा और अपना ध्यान रखना तुम दोनों। मुझे ऐसा कमाल का बटलर चाहिए भाई साहब। कितनी रोमांटिक बात है, शायद एक दिन वो दोनों जोड़ी बन जाए। अब बस भी करो, एक सुअर की तरह बिहेव कर रही हो। सच में ओइंक, अब समझ में आया क्यों राजा भाग गया। और तू, प्रिंस तुझसे डर के भाग गया है बेवकूफ। चुप करो तुम लोग, एक नंबर की मुसीबत हो। तुम लोगों से परेशान होकर राजा भी भाग गया यहाँ से। यहाँ हो तुम? राजा के बारे में कोई खबर है? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, पर मेरे पास एक और खबर है। क्या है? क्या है? ग्वेन भाग गई है और उस जगह पर कोई भी नहीं है। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे कैसे? अरे ये तो कमाल है। सच में? हाँ बिल्कुल, देखो किंग साहब तो पहले ही भाग गए और अब ये सब भी यहाँ से दम दबा कर भाग गया है। इसका मतलब ये पूरा राज्य सिर्फ मेरा हुआ। कमाल हो गया। मुझे इसका कुछ समझ नहीं आता। हाँ, मुझे भी नहीं। अरे नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं और ग्वेन को जाने दिया। अब हम लोग यहाँ मस्ती करेंगे और सब लोग हमें देखकर चलेंगे। सच में ये तो अमेजिंग है। मम्मी, इसे भी निकाल दो। नहीं 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 नहीं, प्लीज मुझे मत निकालिए। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी, मुझे महल में नौकर तो चाहिए ना। बढ़िया, मैं आपको आज के बाद कभी निराश नहीं करूँगा। मेरी प्यारी बेटियों, मेरे साथ आओ। मैं निराश नहीं करूंगा, पर मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगा। मेरी जान, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर वो कहाँ चला गया, अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे लगता है कि उसे किसी को तो ढूंढ लिया है और फिलहाल के लिए तो अभी वो डेट पे होंगे। वो तो है, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मम्मी पापा, मैं आ गया। आखिरकार तुम आ गए मेरे बच्चे। तुमने इतना समय क्यों लगा दिया? मैं किसी को साथ लेके आया हूँ, ये देखो। अरे हमें इसी का तो इंतजार था, चलो बताओ कि वो कहाँ पर है। वहाँ खड़ी खड़ी अंडा दे रही है, यहाँ जल्दी। ये देख, मेरा बाप नेट और रानी क्रिस्टी। नमस्ते, मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो तुम्हारा नाम एलिस है? टीना? नहीं, ग्वेन। आखिर तुम हो कौन? जैक के पास तो सिर्फ दो बेटियां हैं। मम्मी पापा, अलाकान का हो रहा है? क्रिस, जल्दी बताओ तुम हमारे राज्य में किसको लाए हो? अरे ये किंग जैक की असली बेटी भैया, बाकी दोनों नहीं है, वो उनके खून की नहीं है। मुझे बेसमेंट में बंद करके रखा गया था, मुझसे सारे काम करवाए जाते थे और वो किटी कोई रानी नहीं है। उसे तो मेरे डैड ने सड़क से उठाया था और उसने डैड को पागल करके खुद को रानी घोषित कर दिया। तुम आखिर क्या बकवास कर रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम पक्का धोखेबाज हो। तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो, शायद तुम हमें यहाँ पर लूटने के इरादे से आई हो। निकल जाओ हमारे राज्य से अभी। मम्मी पापा, क्या आप शर्मिंदा बन गई हैं? तुम्हारी कसम झूठी खाऊंगा। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, निकाल दो इसे हमारे राज्य से अभी। अच्छा मम्मी पापा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। मैं पहले से जानता था उसे अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। ये सब क्या हो गया, ये तो एक बुरे सपने जैसा है, हम उसे तो चक्कर आ रहे हैं। मेरी जान, तुम शांत हो जाओ, वो पक्का उस लड़के को निकाल देगा। ज्यादा समझ में आ रहा है, चलो निकले यहाँ से। रुको, कोई जरूरत नहीं है। अरे हमारे मेहमान को क्या, छोड़ो। मुझे जो काम मिला मैं वो कर रहा हूँ और मैं सिर्फ रानी और मनी भाई के लिए काम करता हूँ। आज का दिन ही बर्बाद है। ये तेरे लिए। ये तो
मनी भाई है ना। अरे जूते दे पैसे ले वाली। अब मनी भाई ने काम दिया तो काम तो करना पड़ेगा, तो मैं गायब हो जाता हूँ ना। अरे मैं बचपन से जानता था कि तू बिका हुए बे। ले काम 35 हो गया। एक मिनट, अरे मैं एक डायलॉग भूल गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं है। लगता है नौकरों को बख्शीश देने का दिन है। मैंने टायलर को वादा किया था 10 गुना सैलरी बढ़ा के दूंगी। अब सुन मेरी बात, पंगा तो ले लिया, चल मेरे कमरे में चला जा। क्या तुम श्योर हो? हाँ, माँ वहाँ कभी नहीं आती यार, सब ठीक हो जाएगा। आजा इधर। ओ, क्या ये तुम्हारी रहने की जगह है? हाँ नहीं तो, मेरा कमरा है ये। ये ले खा ले बढ़िया। ये क्या है? बर्गर नहीं, ये बहुत महंगे आते हैं लेकिन हमारे हर बार मिलते हैं, महंगी चीजें मस्त। वाओ, मैंने ये कभी नहीं खाया है। अबे मुंह पे कुछ लगाए तेरे। शुक्रिया, ये कितना टेस्टी है। ग्रेस, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे मम्मी आ गई, पता नहीं काहे को आ गई, ऐसा तो कभी नहीं करती यार। ठीक है तू शांत रह, तू छुप जा, वो चली जाएंगे वापस। क्रिस, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्रिस, बताओ मुझे अंदर क्या हो रहा है? क्रिस, मम्मी कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, कोई बात तो नहीं हो गई? मेरी जान, आखिर सब चल क्या रहा है? क्रिस ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्रिस, अगर सब मजाक है तो तुम मुश्किल में हो। हैरी, जल्दी से हथौड़ा ले आओ, मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। अरे मम्मी पापा, काहे को चिल्ला रहे हो यार, धत्ती काटे हो। पर क्रिस, तुम इस तरह से कमरे में तुम खोल क्यों नहीं रहे थे? मैं सो गया था यार, आवाज सुन के उठ गया, चगा दिया बाल्टू में। चलो चलते हैं यहाँ से, मैं तो भूल भी गई मैं क्या कहने आई थी। साहिबा, मुझे हथौड़ा नहीं मिला लेकिन मैं अपने शरीर से इस दरवाजे को तोड़ डालूंगा। तुम एक नंबर के गधे हो। आज चुंगी लगते लगते रह गई मेरा कंधा। लड़कियों, तुम अभी यहाँ पर हो? हाँ माँ, मैं यहाँ हूँ। एलिस कहाँ पर है? हमें उसकी क्या जरूरत, प्रिंस क्रिस को देखने जाना है, चलो उसके बिना चलते हैं। ये अजीब आवाजें, ये कहाँ से आ रही है? कहाँ? वो शायद मच्छर है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ये कैसे हुआ? टीना ने मुझे कॉलम से चिपका दिया ताकि मैं क्रिस के पास ना जा सकूं। टीना, तुम बहुत मुसीबत में हो। थैंक यू मम्मी, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्रिस सिर्फ मुझे ही चुनेगा। अरे नहीं, वो लोग क्रिस के पास जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और ग्वेन क्रिस के किले में छिपी होगी। नहीं, मैं इनको वहाँ जाने नहीं दे सकता। ओ, एक आइडिया आया। कुछ मत करो बेवकूफों। तुम कौन हो? अगर तुम तीनों में से किसी ने इस घर से बाहर कदम भी बढ़ाया तो मैं उसे मार दूंगा। माँ, कहीं नहीं जाते, प्लीज। हाँ हाँ, जरूर। टायलर, तुम रास्कल, तुमने हमें डराने की कोशिश की। मैं तो हेलोविन के लिए तैयार हो रहा था, क्या तुम लोग मेरे साथ हो? क्या तुम जानते हो हेलोविन एक हफ्ते पहले था? क्या मुझसे डेट मिस हो गई, ये कैसे हो सकता है? लड़कियों चलो यहाँ से, सवारी आ चुकी है। जत, इनको मैं घर पे नहीं रख पाया। आपका स्वागत है। हेलो, देखो कौन आया है। आप आके कुर्सी पे बैठिए ना, अब खाने का टाइम हो चुका है। आपकी बेटियां तो बहुत ही भड़कीली हैं। हाँ, अब भी कमाल हो। दरअसल हमारे बेटे ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई जो कि आपकी राजकुमारी के बारे में थी। जरूर, तुम्हारा बेटा पागल है। उसने हमें बताया कि आपकी तो सिर्फ एक ही पापा, मेहमान से भी थोड़ा सवाल वाल कर लो। ओह क्रिस, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम भागे क्यों? खैर मैं भागा तो नहीं था, बहुत जोर से पेशाब लगी थी तो सबके साथ प्रैंक कर रहा था। अच्छा, तो सिर्फ ये एक मजाक था। अच्छा ठीक है बेटे,
अब तो तुम इन हसीनों में से अपनी बेबी चुनने वाले हो ना? हमने खेल लाए। क्रिस अब शांत भी हो जाओ, हमें हमारा ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, समझ गए? हाँ मैं सोच लूंगा मैं फिर बताऊंगा, देखूंगा। क्रिस, ओह, उसने सच में टीना को चुना, ओरे! शादी कर रहे हैं, ओह! क्रिस, मैं जानती थी तुम मुझे चुनोगे। अबे कार को चिपका रही, ऐसा नहीं है बे। ऐसा क्यों? मैं क्यों नहीं माँ? ऐसा क्यों? छोड़ जाओ और मजा मत खराब करो। मुझे क्या करना चाहिए? सौतेली माँ के पास दोबारा वापस नहीं जा सकती, वो मेरा जीना हराम करके रख देगी। मैं थक गई हूँ, मैं टीना को और नहीं सह सकती। क्या ये एलिस है? वो यहाँ क्या कर रही है? ओ नहीं, लेकिन टीना ही क्यों? मुझे भी शादी करनी है, मैं प्रिंस के कमरे में बैठकर रो दूंगी। क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे क्या बात है, तुम ही यहाँ हो? अरे नहीं, जल्दी बाहर निकल कामचोर। कामचोर, तू प्रिंस के कमरे में क्या कर रही है? अपने काम से काम रखो। तू चल अपने काम से काम रख, तू चल, मैं सबको बताती हूँ। प्लीज एलिस, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, तुम मुझे याद नहीं करोगी। सच में तुम जा रही हो? हाँ हाँ, और तुम्हारे पास पूरा साम्राज्य भी होगा। तुम समझती हो मैं ये सब मान लूंगी? जाओ किसी और को बेवकूफ बनाओ। तुमने मेरी जिंदगी पहले ही बहुत खराब की है, और क्या चाहती हो तुम मुझसे? बोलो बोलो मुझे। वाओ, हमारे बच्चे साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। क्रिस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पीछे तू बनेगी मेरी बीवी, शक्ल लेगा नहीं? मम्मी ये देखो, हमें भगोड़ी मिल गई। क्या? ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, और ये मुझे क्रिस के कमरे में मिली, बेड के नीचे। तो तुमने अभी तक उसे निकाला नहीं? नहीं, मेरी मर्जी है भैया, मैं चाहता हूँ कि ग्वेन मेरी पत्नी बने, समझ गए? ग्वेन, हमसे भी ब्याह करोगी? नहीं, ये नहीं हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है कि मेरा हार्ट गले में आ जाएगा। और वीरय कैसा है? मिलकर खुशी हुई भाई। ओहो। देखो वो लोग आ गए। उसने कितनी खूबसूरत ड्रेस पहन रखी है, मुझे भी चाहिए थी। अभी भी हो सकता है, अगर क्रिस अपना मन बदल ले और मुझसे शादी करने को हाँ बोल दे। चली जा, कनपटी दे दूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए टीना एक पहचान आज है, वैसे भी जानते हो ग्वेन यहाँ पर कितनी बीमारियाँ फैला रही है। मेरा प्यारा बेटा, छोड़ दो उसे, दूर रहो उसे। मम्मी झूठ बोल रही है, उससे शादी कर रहा हूँ मैं। ये पंडित की औलाद कहाँ गया? वो पंडित जी की गड्डी खराब हो गई है, तो इसलिए मैं शादी कराऊंगा, क्या तुम लोग तैयार हो? मैं बहुत घबराई हुई हूँ। आज के इस खास दिन पर दो दिल मिल रहे हैं, वो भी छुप छुप के। तो क्रिस, क्या तुम तैयार हो ग्वेन से शादी करने के लिए? हाँ। तो ग्वेन, क्या आप क्रिस की पत्नी बनने के लिए तैयार हैं? हाँ, हाँ, हाँ। तो आज से आप दोनों पति और पत्नी हो। डीजे लगाओ, बाराती बुलाओ, नाचेंगे सारे और जाएंगे शाही परिवार की तरफ। वाओ, सारा प्लान चौपट हो गया हमारा। मॉम थैंक्स अ लॉट, ग्वेन को ठीक से बेसमेंट में बांध नहीं सकती थी। चुप रहो, धीरे बोलो। तुम्हें तो मास्टरमाइंड हो, और अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी अकल बंद और बेवकूफ बेटियों का क्या करूं मैं? मैं सच में बहुत खुश हूँ, अब मेरे पास भी कोई अपना खास है। तेरा बन गया रहूंगा, बोल लिया हूँ। तो बताओ कब निकल रहे हो? प्रिंसेस, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी। क्या हो गया? आप नहीं ग्वेन, ये आपके पिताजी की तरफ से है। वाह, क्या राजा ने कुछ छोड़ा है? इसे मुझे पढ़ने दो। चलो देखते हैं। इसमें लिखा है, इसमें क्या है हमें बता दो अब तो। हाँ, अगर ग्वेन शादी करती है तो पूरा राज्य उसका होगा, सारी जायदाद की हकदार वो अकेली होगी। ये जरूर मजाक होगा। हाँ। क्यों?
तो मैं अब से यहाँ की रानी हूँ। जल्दी करो, निकलो यहाँ से अभी के अभी। ऐसे कैसे निकल जाए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। नहीं। न्याय की जीत, न्याय की आखिर जीत हुई। बिल्कुल। अब तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप हमारा इंतजार कर रहे थे। असल में हम बस घूमने आए हैं। हमने यहाँ पर मेहमान नहीं बुलाए थे, तुम लोग भिखारी लग रहे हो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। नेट क्रिस्टी, कुछ हो रहा है, क्या हम थोड़े दिन आप क्या रह सकते हैं? मेहरबानी करिए। हाँ, लेकिन तुम्हारे राज्य का क्या होगा? असल में बात यह है कि ग्वेन ने हमें बाहर निकाल दिया, वो वसीयत की मालिक है। हाँ सही है, मैंने भी कहीं सुना था, लेकिन एक बात बताओ, किंग जैच ने तुम्हें वसीयत में शामिल क्यों नहीं किया? सिर्फ ग्वेन को ही क्यों किया? वो बस भूल गए। हाँ बात कुछ समझ में आ रही है, ये लोग शायद नकली राजकुमारियाँ हैं, जैसा कि क्रिस ने बताया था हमें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम आपको सब कुछ समझा देंगे, बस हमें यहाँ रहने दो, बहुत रात होने वाली है। हॉरिबल हैरी, जल्दी आओ, इन नकली राजकुमारियों को बाहर निकालो यहाँ से। जी 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 हाँ। अरे बहरी हो क्या, चलो निकलो यहाँ से। ओह तुम ऐसा मत करो, क्या तुम्हें हम पर दया नहीं आती? सड़क पर रहना पड़ेगा। प्लीज हमें मेहरबानी करें, प्लीज हमें रहने दो। कितना बुरा लगे ये सब, उन लोगों ने मुझे छू लिया। मेरी जान, अब हमें सैनिटाइजर से जाके नहाना चाहिए। तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है? और मैं भी प्यार करती हूँ। पहली बार तुमरे को सुनरा की दुकान पे देखे थे, तभी सोचे ब्याह करेंगे तो तुमसे। ओए वो देखो, वहाँ पे सड़क पे जो लोग नीचे हैं। लड़कियों हम सड़क पर आ गए, ये सब कैसे हो गया, हम असली राजकुमारियाँ बन सकते थे। क्या मजाक है, मजा आया, खुशी महसूस हो रही है ना? हो रही है, तुम देख लेना, हम तुम्हें आसानी से जीने नहीं देंगे। हाँ, रुकिए, ये कॉम्प्लीमेंट है एक बटलर की तरफ से। ओ टायलर, तुम्हारे बिना हम क्या ही करते। वो हे तुम सब, हमारे लिए कुछ विश करना चाहोगी? उसने हम पर कुछ तो गंदा गिरा दिया। वैसे याद है आपने मेरी सैलरी 10 गुना बढ़ाने का वादा किया था? ओ, क्या सच में मैंने ये कब बोला है तुमसे? हाँ टायलर मजाक था, तुम्हें सैलरी मिल जाएगी। इसको कहते हैं सही मायने में हैप्पी एंडिंग। और उसने खुद को राजकुमारी घोषित कर लिया, क्या तुम्हें ये लगता है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। मैंने इतनी बार इसे याद करने की कोशिश की है, लेकिन हर कोई अपनी लाइन को दोबारा दोबारा पढ़ रहा है। चलो चलो देखो भाइयों, जल्दी आओ मेरे साथ, देखते हैं इन्हें क्या कर रहे हैं ये। एक दो शब्दों में यहाँ इन्हें। आप सभी को हेलो हमारी ओर से, आप जानते हैं आप कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, और हम ये सब कर रहे हैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए, सिर्फ आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए। हम इतना कुछ कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ कितनी ठंड है, फिर भी हम आपके लिए कूल है, हम आपके लिए नए नए रोल करते हैं, नए नए मेकअप करते हैं, और कोई चाय बना रहा है तो कोई रोल कर रहा है, कोई लाइन पढ़ रहा है, देखिए कोई आपके लिए लाइन याद कर रहा है। जी हाँ, देखिए हमें लाइन याद करनी पड़ती है, और हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। देखो वो कैसे उसको ढक रहा है, उसे काफी ठंड लग रही है, तो उसको ख्याल रखा जा रहा है। ये दो मुझे। देखो मेरी टांग, आज के ब्लॉग में ये देखने को मिलेगा। आप उसे अक्सर नहीं देखते हो, लेकिन यहाँ और भी है, तो चलिए आज हमारा मिनी ब्लॉग करते हैं शुरू। आज हम वहां जा रहे हैं और अब हम सीखेंगे धीरे 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 धीरे, हम मॉडल की तरह चलना सीखेंगे। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 घूमो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, समझ गया ना? अब पूरा हुआ, यही करना है आज पूरे दिन, कोई काम नहीं। चलो क्या मिल गया, बढ़िया किया ना मैंने, बता रही दिमाग फिर गया मेरा आज। एक और चीज दिखाऊं, ये देखो एक मॉडल वॉक दिखाता हूँ, 1 2 3 4 घूमो और ये रहो, चलते हैं फिर, एक मॉडल 2 3 4 और बस इतना ही। चलो बहुत हो गया, शर्म आ रही, वीडियो बंद। अब मुझे समझ आया। आगे बढ़ो यार। वेल, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है मैं क्या है? वाओ याद है, बढ़िया तो कर रहा था यार।
क्या आप लोगों को ज्यादा ज्यादा डाल दिया इसका यार।